महाराष्ट्र में काफी सियासी हलचल देखने मिल रही है। बता दें कि अजीत पवार समर्थक एनसीपी एमएलसी अमोल मिटकारी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई विधायक हमसे मिलने आ रहे हैं और जिन 35 विधायकों ने कल अजीत पवार का समर्थन किया था वे आज भी अजीत दादा के साथ हैं। और भी नेता है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं एनसीपी के साथ था और मैं हमेशा एनसीपी के साथ ही रहूंगा, ऐसा अमोल मिटकारी ने बड़ा बयान जारी किया है। यह सही नहीं है कि पार्टी में विभाजन हो गया और मैं चाहता हूं कि संजय राउत ने जो कहा है अजीत पवार सीएम बनेंगे वह बात सच हो जाए। सुनिए अमोल मिटकारी ने क्या कहा। गुरु पूर्णिमा का दिन है, हर साल मैं पवार साहब अजीत दादा इनको गुरु पूर्णिमा के दिन मिलने के लिए आता हूं। आज पवार साहब यशवंतराव जी चव्हाण साहब के समाधि पर करार पे गए हैं और आज देवगिरी में सभी विधायक अजीत दादा को मिलने के लिए आ रहे हैं क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। ये हो गया पार्ट ऑफ संस्कृति का एक भाग हो गया। अब आप दूसरा सवाल पूछेंगे कि भाई कितने विधायक है क्या है? मैं कल से हूँ, यहीं पे हूँ और बहुत सारे विधायक आ रहे हैं अजीत दादा से मिलने। जो लोगों ने कल पाठिंबा अजीत दादा को दिया, अजीत दादा ने, मैं एक मिनट मेरे पूरी बात होने दीजिए, बाद में आप सवाल मिले, मेरी लिंक पूछ जाती है। मेरे ये कहना है कि जिन लोगों ने कल अजीत दादा को समर्थन दिया, जिन 35 विधायकों का समर्थन है, लेकिन समर्थन है, उन्होंने खुद होके दिया है, कोई प्रेशर में उन्होंने तो दिया नहीं। और वो 35 के 35 भी लोग आज दादा के साथ है और आने वाले भी है, कुछ आ रहे हैं, कुछ अपक्ष के भी लोग हैं जो दादा के साथ जुड़ रहे हैं। पूरे पाठिंबा, गठबंधन का पाठिंबा पूरा अजीत दादा ने राज्यपाल महोदय को सौंपा। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। और आपको जो लगता है कि पार्टी में दो गढ़ गिर चुके हैं, ये आपकी गलत फहमी है। पार्टी एक संघ थी, एक संघ है और एक संघ है। संजय राउत जी ने जो कहा अजीत दादा मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके मुंह में घी शक्कर, बारामती की शक्कर, और मैं भी चाहता हूँ संजय राउत होना चाहिए। पार्टी है कि आप कह रहे हो, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो गई है। रात को 11 बजे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई पार्टी ऑफिस में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अभी तक नहीं देखी। जब मैं देखूंगा उसके बाद, आप बता रहे हो बराबर है, लेकिन मुझे तो देखना चाहिए। ऐसी बातें भी फैलाई जा चुकी है कि और खासदार हमारे पार्टी के जो है अमोल कोल्हे साहब के बारे में एक कोई तो भी मीडिया पे आया, मैंने खुद उनसे फोन करके पूछा इस बात को कि इसमें क्या सत्य है, तो अभी तक तो वो कहीं गए नहीं, अभी तो यहीं पे है। ऐसी इस तरीके से अगर कोई मीडिया में बातें बनती हो तो मुझे चेक करना, मेरा कर्तव्य है, मैं पूरी चेक करूंगा। आफ्टर दैट आई विल।